प्रिया मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसेस रिएक्शन में। सो गाइस आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बॉलीवुड ऑफिशियल ट्रेलर पे और इस मूवी में है बांग्लादेशी सुपरस्टार शाकिब खान, उनके साथ है पूजा और इस मूवी को डायरेक्ट किया है ऐसे हकी ने। तो सबसे पहले हमें वीडियो देख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। মনের ভুলে সে ভুল তার বিচার কি? জগতের ভুলের বিচার আছে, মনের ভুলের বিচার নাই। 22 দিন আপনি কি ফুলের মালা দিবেন? আমি তো জারতার গলায় মালা পরাই না, ওই মালা পেতে বাহাদুরি লাগে। ওই মালা আমি মায়ের গলায় পরামুই। উল্টাও সাগর ভাই মারুন আর গলই সিধা এক বরাবর। जवान झड़ा की बोलो बोईटा मारते जाने, प्रेमेर जाले जीवन नौका चुलुक डाने डाने। जोरे मारो आरो जोरे, जोर हो ना के जोर से टानो। সোমপুর গ্রামের সম্মান হলে তুমি। 3 দিনের মধ্যে যদি জমিতে হাল চাষ দেওয়া না যায় সবাইকে অভাব অনটনে পড়তে হবে। কোনো অভাব অনটন থাকবে না, বৃষ্টি আসবে। কাউকে যখন ভালো লাগে তখন পৃথিবীর সবকিছু ভালো লাগে। এই সবকিছু সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র তোমার জন্য। আমার ভালোবাসা কথাগুলো তুমি রাজকন্যার সরলতা দেখেছো, কঠোরতা দেখনি। যে মানুষ মন বুঝে না তার জন্য অপেক্ষা করে কি লাভ? অন্যায় করছেন, অনেক বড় অপরাধ করছেন। হীরের আংটি দেখেছো কখন? কি করেছি আমি? তোমাকে আমি ভালোবাসি। ওর যা আছে তা আমার নেই। ভালোবাসা তো এমনই, অর্ধেক সুখ আর অর্ধেক জ্বালা। गाइस ये था ट्रेलर और लिटरली ट्रेलर काफी आउटस्टैंडिंग है और मतलब मैंने कहीं पे सुना भी है कि भाई इस मूवी के लिए साकिब खान को मतलब बहुत ज्यादा उनकी एक्टिंग की बहुत ज्यादा प्रशंसा की मतलब की गई थी। और साथ ही साथ में एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मतलब ये मूवी का ट्रेलर देखने से पहले मैंने इस मूवी के जो गाने हैं वो मैंने बहुत सर्च किए थे और आपके भी बहुत सारे सजेशन भी आए थे कि आप इस मूवी के गानों के ऊपर मतलब रिएक्शन लिख के आइए, लेकिन गाने तो पूरे यूट्यूब पे एक भी इस मूवी का गाना अवेलेबल नहीं है, किसी ओरिजिनल चैनल पे अवेलेबल नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके गाने क्यों यूट्यूब से हटाए गए। अगर आपको बताओ तो वो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके पास ओरिजिनल कंटेंट हो या आपके पास कोई लिंक हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। और वैसे हम अगर इस मूवी के बारे में बात करें तो इसमें जो नाव रेस दिखाई गई है तो उसके बारे में मैंने शायद एक गाना भी सुना था जो कोक स्टूडियो बांग्ला है उस पे, तब हमें पता लगा था कि इस तरह का कोई फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। और सच में ये जो है ना ट्रेलर, इसमें जो शाकिब खान का लुक दिखाया गया या फिर शाकिब खान और पूजा की जो
केमिस्ट्री दिखाई गई है वो बहुत ही ज्यादा कमाल लग रही है। एकदम ऐसे बहुत ही कलरफुल थीम रखी गई है या जो भी सेट है वो काफी ज्यादा अच्छे बनाए गए। स्पेशली मुझे वो नाम वाला जो फर्स्ट सीन था ना वो काफी पसंद आया। जिस तरह से वो आ रहे थे ना हमें ऐसे लग रहा था वो डाइव करने वाले लेकिन वो नाव के ऊपर ही ऐसे। और साकिब खान के हमने काफी सारे टीजर ट्रेलर गाने और सुने तो अभी तक जितने भी मैंने लुक देखे ना ये वाला उनमें से सबसे डिफरेंट था। लगान के आमिर खान है ना तो उस तरह से जैसे वो बारिश का वेट कर रहे वाला टिपिकल लुक था। सोरो ने वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, सजेशन देना, अपना सपोर्ट इस चैनल को भी बनाए रखना। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।